दोस्तों आज मैं आपको रॉन्ग रिचार्ज एयरटेल का रॉन्ग रिचार्ज रिवर्स के बारे में बताऊंगा। तो ये मैसेज है, पहले हम आपको बताते हैं कि रॉन्ग रिचार्ज कौन सा हुआ है। कोई भी नंबर देखिए, यहाँ पे जो ये कस्टमर नंबर रहेगा और ये अमाउंट है और यहाँ पे ये ट्रांसैक्शन आईडी रहेगा नीचे, ये ट्रांसैक्शन आईडी, तो ये ट्रांसैक्शन आईडी से बोलते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा ट्रांसैक्शन आईडी। तो आपको मैसेज में जाना पड़ेगा और टाइप करना पड़ेगा WRR रॉन्ग रिचार्ज रिवर्स, और यहाँ पे रॉन्ग नंबर डालना पड़ेगा, जो भी ये नंबर है रॉन्ग नंबर है, और यहाँ पे ट्रांसैक्शन आईडी है, और यहाँ पे कितना का अमाउंट डाला है वो अमाउंट है, ध्यान रहे कोई भी स्पेशल अमाउंट वापस नहीं आएगा, और बाहर का नंबर जो आउट स्टेशन नंबर रहेगा वो आप लोग वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे नीचे राइट नंबर डालना है, करेक्ट नंबर, आप किस नंबर पे आपको ट्रांसफ़र करना है वो नंबर डाल के आपको इसको भेजना है 51619, तो इस नंबर पे आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद में हाँ, तो ये आपको रिचार्ज का ये जो आपने भेजा है मैसेज उसका योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन टेकन सक्सेसफुली इन सिस्टम एंड योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड। 10 मिनट में आपको ये राइट नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये एकदम बिल्कुल ही नया मेथड है और आपको हाथों हाथ 10 मिनट के अंदर राइट कस्टमर पे ये चला जाएगा। और आपको बता देता हूँ कि ये आपको फिर से एक दोबारा मैसेज मिलेगा। हाँ तो ये देखिए, और एक बार 10 मिनट के बाद में मेरे को ये मैसेज मिल गया है, ₹39 इज डेबिटेड फ्रॉम रॉन्ग सब्सक्राइबर नंबर विथ रेफरेंस नंबर, तो ये राइट नंबर पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो आप कस्टमर का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, मैंने इसको कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस चेक किया है, तो ये राइट नंबर पे ₹39.38 पहुँच चुका है और इसकी वैलिडिटी वगैरह सब मैं यहाँ पे चेक कर लिया हूँ, और जो रॉन्ग नंबर पे बैलेंस चेक किया हूँ तो वहाँ पे 0 हो चुका है। तो ये कस्टमर का बैलेंस कैसे चेक करना है ये शायद आपको पता होगा, अगर नहीं है तो ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको किसी भी कस्टमर का बैलेंस चेक करने के लिए RBAL टाइप करके यहाँ पे जिस कस्टमर का भी नंबर डालना है, जिसका चेक करना है बैलेंस उसका नंबर डालेगा और इसको भेज दीजिएगा 125 पर। तो ऐसा नंबर भेजने से आपको उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो बता देता है।